दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए स्वास्थ्य ज्ञान एंड हेल्थ जीवन को, बेल का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी मैं लेके आया हूँ दोस्तों। दोस्तों हर व्यक्ति बाल लंबे करना चाहता है और घने करना चाहता है दोस्तों, तो उसके मैं आपको 7 आसान और घरेलू उपाय बताने वाला हूँ। उसके लिए अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी से जानकारी रोज़ मिलते रहे दोस्तों। दोस्तों क्या रहता है, आपने एक बार नोटिस करी होगी कि लंबे घने और सुंदर बाल सभी को पसंद है। छोटी उम्र में हम कई बार अपने बालों में कुछ ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिसकी वजह से बाल कमज़ोर होने लगते हैं, बाल झड़ने टूटने और उसी जैसी समस्याएँ लगती है। उसका मेन कारण हो सकता है आप बालों में कलर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। जिनसे लॉन्ग हेयर की खूबसूरती ख़राब हो जाती है, कई बार तो कहीं किसी रोग का इलाज करते वक्त किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के होने से भी बाल उड़ने लगते हैं और गंजापन की समस्या आती है। अगर आपको अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है तो हमारी सलाह ये है कि बालों पर किसी प्रकार का प्रयोग से दूर रहे, सुंदर बालों के लिए नेचुरल आयुर्वेदिक तरीके अपनाएं दोस्तों। बाजार में मिलने वाले अधिकतर हेयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स केमिकल युक्त होते हैं, जो बहुत महंगे तो होते ही है, साथ में उनके इस्तेमाल से हमारे बाल नुकसान भी हो सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो आप लोग जानते ही दोस्तों। दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो घरेलू और आसान प्रयोग ही आप घर पे ही कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपके बाल कुछ ही दिनों में आप देखेंगे बहुत शानदार और अच्छे दिखने लगेंगे दोस्तों। और महिलाओं के लिए तो खास बात ज़रूरी है, उन्हें बिल्कुल बालों की समस्या होती होगी टूटने की झड़ने की, क्योंकि आज के टाइम में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण होता है और प्रॉपर डाइट ना लेना, ये 2 मेन कारण के कारण हमारे बाल टूटते हैं। लेकिन हम कुछ घरेलू उपाय करके इनको बचा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें काम करना है घने मुलायम बालों के लिए अंडा। आप जानते होंगे बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रोटीन सबसे अहम होता है और अंडे में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। अंडे के प्रयोग से 2 मुंह बालों का इलाज भी किया सकता है। एक अंडा तोड़ ले और इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर हल्के हाथों से बालों की मसाज करें, 1/2 घंटे बाद सर धो ले। हर संडे आप ये कर सकते हैं दोस्तों। आपने ध्यान दिया होगा बाल बढ़ाने के लिए नींबू का रस भी बहुत असरदार होता है, क्योंकि इसमें एक सिट्रिक एसिड मौजूद होता है जो आपके बालों में चमक आती है और बालों की रूसी से भी छुटकारा मिलता है। सिर में अगर आपकी रूसी रहेगी तो नींबू का रस तेल तक मिलाकर लगाएं तो आपका जो है चमक भी आ जाएगी और रूसी भी दूर हो जाएगी दोस्तों। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों लंबे बालों के नारियल का दूध भी बहुत माना जाता है। नारियल के दूध में आयरन, विटामिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और हेयर फॉल कम करता है और बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। खाने के कोकोनट मिल्क शामिल करें और इसमें बालों मालिश भी करें। आपको मैं बता चुका हूँ नारियल का दूध कैसे बनाते हैं। नारियल का दूध बनाने के लिए आपको नारियल लेना है, उसे मिक्सर से निकाल के उसका दूध निकालना है दोस्तों। बालों के रामबाण के लिए प्याज का रस, बिल्कुल सही सुना दोस्तों, प्याज का रस बहुत ही रामबाण होता है। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर होता है जो हेयर ग्रोथ करने में काफ़ी मदद करते हैं। एक प्याज तोड़कर उसका रस को बालों को जड़ों पर लगाएं और 1/2 घंटे बाद बाल धो लें। जिन लोगों के बाल झड़ने की और गंजापन दिखने लगा है तो ये प्याज के प्रयोग से बाल बिल्कुल सुंदर और सुशील दिखने लगेंगे दोस्तों। इसके अलावा आप चाहें तो आंवला का प्रयोग भी कर सकते हैं। हर रोज़ खाने में एक आंवला उपयोग करें। इसके अलावा आंवले के प्रयोग से बालों की समस्या का इलाज कर सकते हैं। थोड़ा तेल में आंवला पाउडर मिलाकर हल्का गुनगुना कर बालों पर लगाएं। इस प्रयोग से आप लंबे और काले समय तक अपने बाल मुलायम रख सकते हैं दोस्तों। दूसरा सबसे अच्छी बात क्या, अपने डाइट में चेंज करें। डाइट में बहुत सारे वेजिटेबल्स लें, जिससे कि आपको आपके इंटरनल बॉडी भी फ़र्क पड़ता है दोस्तों। सबसे अच्छी बात एक बताना चाहता हूँ, रात में आप सिंपल सा पैराशूट का तेल या कोई सा भी तेल अच्छा रहे उसे हल्के हाथों से मसाज करें और सुबह उसे धो लें। ऐसा कुछ दिन करने पर आपके बालों के अंदर जो है विटामिन्स मिल जाएंगे और आपके बाल चमकने लगेंगे दोस्तों। दोस्तों बहुत आसान उपाय है, आराम से करें और आराम से इसका उपयोग करें दोस्तों। ऐसी ही नई नई जानकारी आपके लाते रहूँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।